नाम रंजीत रजक है और मैं हजारीबाग जिला से हूँ। किचात थाना पड़ता है और गांव आसिया पड़ता है। हमें 2005 में टीबी से ग्रसित हुए थे, जो कि मैं प्राइवेट से ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे कि इसलिए कि डॉक्टर ने ये नहीं बताए थे कि आपको ये टीबी का दवा है कि क्या है। लेकिन जब तक मैं टीबी का सही से इलाज नहीं कर पा रहे थे तो मैं कभी दवा खाते थे कभी छोड़ देते थे, तो और मैं बीमार धीरे धीरे पड़ते गए, तो हमारे शरीर में इतने कमजोरी आ गई कि हमको चलना फिरना मुश्किल हो गया। फिर और जो मेरा शरीर था वेट था वो कम होते गया। उसके बाद फिर हमने डॉक्टर संदीप के पास गए, फिर वहाँ डॉक्टर संदीप ने इलाज किए, फिर बोला तुम्हारा टीबी है और ये दवा आपको 6 से 9 महीना तक खाना होगा, लेकिन रेगुलर खाना होगा ये दवा। उसके दवा खा करके हम कंप्लीट किए, तो अभी तक वो दवा खा के अभी सही है। और जब हम होली क्रॉस में जुड़े जब ये दवा से, तो सिस्टर ब्यूटो ने हमको वहाँ पर अपने काम के लिए रख लिए कि तुम ये सब काम करो, टीवी पर काम करो। तो सदर से डॉट प्रोवाइडर भी बनाया गया, जितना भी टीवी पेशेंट एचआईवी के साथ आते थे तो उनका दवा उठा करके गवर्नमेंट से, और फिर मैं खुद उन लोग को खिलाना चालू किए। फिर उन लोग को घर जाके मैं हेल्थ वर्कर का काम करने लगे, गाँव में जाने लगे हेल्थ वर्कर में, फिर फॉलोअप किए कि पेशेंट को अगर हम टीवी दवा खिला रहे हैं मेरे जैसे हम खाए हैं, तो दूसरों को अगर खिला रहे तो मेरे जैसे हो रहे नहीं। उन लोग को घर में जा करके दवा खिला करके फिर देखते थे, उसके बाद उन लोग ठीक रहते थे। देखते थे कि दवा अगर उन लोग को नहीं सूट कर रहा तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेते थे, डॉक्टर बोलते थे कि फिर ऐसे करके दवा खिलाओ। फिर हर एक महीना में या सप्ताह में 2 दिन हम लोग फील्ड विजिट के लिए जाते थे, जो पेशेंट को दवा खिलाते थे उसके, और जो एचआईवी से ग्रसित था उन लोग को भी फॉलोअप करते थे। वहाँ से काम करते करते अभी तक हम 2005 से लेकर के अभी तक हम होली क्रॉस में ही काम कर रहे हैं, और अभी तक लगता है कि हम टीबी पेशेंट को 2000 से ज़्यादा तक का ट्रीटमेंट अच्छा से कराए हैं। और अभी हम चाहते हैं जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है अभी जो, तो लगता है कि यहाँ से ये प्रोग्राम से अगर गवर्नमेंट इससे और सुविधा दे, तो हम लोग गाँव में जा करके एडवोकेसी करके और लोगों को सहिया दीदी को आंगनबाड़ी दीदी लोगों को बता सके कि जो भी टीबी से ग्रसित व्यक्ति है, अच्छा नहीं है 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी, उसको तुरंत जा करके खखार जांच करावे ताकि निकले या ना निकले। लेकिन ये फायदा हो जाएगा कि अगर नहीं टीबी कम से कम उसको डर तो हट जाएगा और दूसरा इलाज करा सकते हैं, और जितना भी टीबी का पेशेंट मिले उसको हम अच्छा से ट्रीटमेंट करा सके, उस पर हम हावी पा सके, ताकि ये भी हमारा झारखंड या कोई भी देश हो टीबी से मुक्ति मिले।